हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट रेफर इलेक्टोरल बॉन्ड केस टू 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस क्या है, देखते हैं। इन अ क्विक टर्न ऑफ इवेंट्स, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ ऑन मंडे रेफर्ड अ चैलेंज टू वैलिडिटी ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम विच फैसिलिटेट्स एनोनमस डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ 5 जजेस। तो ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अभी इलेक्शन आने वाला है। ड्यूरिंग द ओरल मेंशनिंग अवर द चीफ जस्टिस सेट द कोर्ट हैज रिसीव्ड अ प्ली टू रेफर द केस फ्रॉम द 3 जज बेंच टू अ लार्जर बेंच। ही सेट द केस वुड नाउ गो बिफोर अ 5 जज बेंच ओइंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द इशू। द केस एज शेड्यूल इन द अर्लियर हियरिंग ऑन अक्टूबर 10 विल बी लिस्टेड ऑन अक्टूबर 31। बाई रिफ्यूजिंग टू डिले द हियरिंग For formation of 5 judge bench, the court has sent a clear message to the government that it does not intend to delay the hearing anymore. The case has been pending in the Supreme Court for over 8 years now. We are here to decide the case, Chief Justice Chandrachud observed in the October 10th hearing. इन्होंने साफ बोला, भैया अब तो हम लोग करके ही रहेंगे। पोल बॉन्ड्स, ठीक है भाई, उसका कंटिन्यूशन है। एडवोकेट प्रशांत भूषण फॉर Petitioner Association of Democratic Reform has pressed the court to hear and decide the electoral bond issue before the Lok Sabha election in 2024. तो इन्होंने यही बोला कि भाई 2024 के इलेक्शन से पहले ये डिसाइड करो। The court has agreed to the petitioner, urging to focus primarily the legislation of anonymous donation to political parties and violation of the citizen rights to information about the funding of the political parties promoting corruption. The two issue concern the violation of article 19, 14, 21 of the constitution. तो ये देखिए दो इशू है, इसमें हम लोग बात कर लेंगे। इसको एक बार समरी में आपको बता दूंगा, ठीक है। The 5 judge bench may not wade into legal question concerning the passage of the electoral bond scheme as a money bill. It may instead wait for a 7 judge bench to deliver the authoritative pronouncement on when a bill could be designated as a money bill. The electoral bond scheme was passed as a money bill. ये राज्यसभा ने बोला है कि इसको मनी बिल की तरह पास किया गया है, तो हम लोग इसके ऊपर तो मनी बिल के केस में हमारे लिए ये भी मैं आपको चलिए एंड में बताऊंगा। एनोनिमाइज्ड पॉलिटिकल डोनेशन। एडवोकेट सदन फरसत फॉर अ पिटिशनर सेड द स्कीम हैज कम्प्लीटली एनोनिमाइज्ड एंड सैनिटाइज्ड पॉलिटिकल डोनेशन गिविंग स्कैंट इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक। ही सेड इवन अमेंडमेंट्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द कंपनीज एक्ट बाय विच द कंपनी कुड थ्रो अ क्लॉक of anonymity to its donation to political party by purchase of electoral bond. Mr. Bhushan has argued that amendments made by a Finance Act of 2016 and 2017 both passed as money bill, and though the electoral bond scheme opened the floodgate to unlimited political donation. ठीक है, अब देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। सेकंड हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है मनी बिल, ठीक है। थर्ड हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है यहाँ पे इलेक्शन, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है, ठीक है। फोर्थ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है ये आपका सेवन, जैसे कि कोई भी बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। नंबर ऑफ जजेस अगर ज़्यादा है, ठीक है, नंबर ऑफ जजेस यहाँ पे कम है, तो हमेशा इसका जो आपका डिसीजन होगा वो प्रिवेल करेगा इसके सामने, ये नहीं करेगा प्रिवेल, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जजेस डिसीजन दिया है। यहाँ पे लोकसभा के पास ज़्यादा पावर होती है राज्यसभा के पास। अब यहाँ पे एक और चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, फाइनेंस एक्ट 2016 एंड 2017। यहाँ पे क्या बोला गया है, अनलिमिटेड इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इलेक्टोरल बॉन्ड्स यहाँ पे कंपनी परचेस कर सकती है, कंपनी कैन परचेस, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, पर इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कुछ हो रहा है तो एक इलेक्टोरल बॉन्ड, एक मनी बिल।
ठीक है, इलेक्शन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड ठीक है क्या है हम देखेंगे, पर सबसे पहले मनी बिल को हम लोग देख लेते हैं। मनी बिल क्या होता है ना कि जैसे कोई बिल मनी बिल में पास हो रहा है, तो मनी बिल लोकसभा में पास होगी, मतलब इंट्रोड्यूस होगी, राज्यसभा के पास जब जाएगा वो, राज्यसभा के पास पावर नहीं है कि भाई रिटर्न कर दे, अमेंड कर दे। रिटर्न कर सकता है बोल के, सजेशन दे के, पर वो नहीं भी करेगा, लोकसभा उसकी बात माने ना माने इस बिल को पास कर दिया जाता है। राज्यसभा के पास कोई पावर होती नहीं है मनी बिल के केस में। और इसको मनी बिल का ठप्पा कौन लगाता है, ये ठप्पा लगाता है स्पीकर। स्पीकर बताता है कि भाई देखो ये तो मनी बिल है, तब राज्यसभा को पता चला ओ हमारे पास तो पावर ही नहीं है, तो हमें भेज क्यों रहे हो, तुम डायरेक्टली साइन करके कर दो ना, ये तो नाटक है। तो खैर यही था मनी बिल में हमें जानने के लिए कि ये ठप्पा लगाता है मनी बिल का स्पीकर। और उसमें कई बार क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करते हैं ना, जैसे 1 से 10 तक आप मानिए सारा इशू मनी बिल का है, मान लिया मैंने, बीच में वो एक 11 इशू डाल देंगे छोटा सा जो उनके काम का है, और उसको मनी बिल में, जब सारी चीज़ें मनी बिल में है तो ये भी मनी बिल में आ जाएगा, और इसको भी जब पास करेंगे तो राज्यसभा के पास पावर नहीं है, अब इसको गवर्नमेंट पास करना ही पड़ेगा। तो गवर्नमेंट अपना छोटा मोटा चीज़ ऐसे कर सकती है। सेम चीज़ हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के केस में, तो यही चीज़ इसको अब हमारी 5 बेंच की जज आपकी सुप्रीम कोर्ट की जो 5 जज बेंच होगी उसको हियर करेगी। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे डीवाई चंद्रचूड़ जी ने बोला है। तो इस आर्टिकल में हमें जानने के लिए इतनी चीज़ें थी। थैंक यू गाइस, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।